मेरे YouTube चैनल हरीशर क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखते हैं झारखंड के निवासी को कितने वर्गों में बांटा जाता है। झारखंड के निवासी को कई वर्गों में बांटा जाता है, इसको किस किस नाम से जानते हैं, ठीक है? तो आप शुरू से अंत तक मेरे इस वीडियो में बने रहेंगे और जिससे आपको जो है यहाँ के निवासी, यहाँ के जो लोग हैं उसको समझने में आपको आसानी होगा। आप आसानी से यहाँ के लोगों के बारे में समझ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे हैं झारखंड का जो स्थापना हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस तब से लेकर वर्तमान समय तक या इससे हजारों वर्ष पहले तक यहाँ पर लोगों का बसाव रहा है। प्राचीन काल में जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे झारखंड जो है वनों का प्रदेश था, यहाँ पर घने जंगल थे और जंगल झाड़ थे और उसको साफ करके कई लोग, कई जनजाति लोग यहाँ रहना शुरू किए, ठीक है? प्रारंभ में जैसे असुर जनजाति यहाँ पर रहना शुरू किया था और उसके पश्चात जैसे मुंडा जनजाति यहाँ पर असुर जनजाति को पराजित करने के बाद यहाँ पर रहना शुरू किया। उसके बाद बाकी जितने भी जनजाति एवं जितने भी जो मूलवासी लोग हैं यहाँ पर रहने शुरू किए और वर्तमान समय में भारत झारखंड के अलावा और दूसरे राज्य से भी लोग आकर बसने लगे, तो इसको कई नामों से जानते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं विस्तार से प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय में जो लोग यहाँ पर आके रहने लगे हैं उसको किन किन नामों से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आदिवासी। आदिवासी जो है हम लोग का यहाँ झारखंड में रहने वाला सबसे प्राचीन समय से रहने वाला यहाँ के लोग हैं और यहाँ के जनजाति हैं, ठीक है? तो ये आदिवासी जो है इनको यहाँ इनका जीवन जो है मुख्यतः खुशहाल रहता है, हंसमुख जीवन व्यतीत करते हैं तथा ये प्रकृति पूजक होते हैं और झारखंड के रग रग में इनका बसाव है। इनका झारखंड के बनने में इनका बहुत ही अहम योगदान है, इसलिए झारखंड की आत्मा भी कहा जाता है। झारखंड में रहने वाले जो आदिवासी हैं उनको झारखंड की आत्मा भी कहते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे अनुच्छेद 342, अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा 32 जनजाति जो हैं, 32 जनजाति को अधिसूचित किया गया है और ये झारखंड में आदिवासी का यानी जनजाति का कुल जनसंख्या है जैसे 86,42,045, जो झारखंड के कुल जनसंख्या का 26.2% है, 26.2% है, ठीक है? और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 342 में राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित 32 जनजाति है, इसमें से जो है 23 जनजाति, 23 जो जनजाति है मुख्यतः जनजाति की श्रेणी में है और जो 9 जनजाति, 9 जो है आपका आदिम जनजाति के अंतर्गत आए, ठीक है? आदिम जनजाति अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो ये जो 23 जनजाति है, ये जनजाति का संख्या कितना है, 23 है, 23 है। तो इनमें जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या जो है आपका संथाल का है, दूसरा है उरांग, मुंडा, हो, खरवार, खड़िया, भूमिज, लोहरा। तो इस प्रकार से सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जो जनजाति है संथाल है, उसके बाद उरांग, मुंडा, हो। इसमें से हम लोग देखते हैं जैसे ये जो इनका जो झारखंड में रहने वाले जो जनजाति है, ये जनजाति में से सबसे प्राचीन जो है असुर जनजाति है और ये इनको आदिम श्रेणी में रखा जाता है। आदिम जनजाति में मुख्यतः हम लोग देख रहे हैं असुर, करवा, विरजिया, मूल पहाड़ी, सौरिया पहाड़ी, सावर, बिरहोर, हिल खड़िया और परहिया। तो ये आदिम जनजाति हैं। आदिम अपना भी अभी भी वर्तमान समय में भी ये अपना जीवन यापन जो है इनका जीवन स्तर है बहुत ही प्राचीन है, आदिम जीवन व्यतीत करते हैं और ये कंद मूल फल खा करके या वन एवं वन उत्पाद पर इनका जो है जीवन आधारित रहता है। और इसमें से जो असुर जनजाति है ये मुख्यतः लोहा गलाने का काम करता है, प्राचीन काल से करते आ रहा है, वर्तमान समय भी इनका मुख्य पेशा क्या है, लोहा गलाना है। उसके बाद जो इसमें दूसरा जो महत्वपूर्ण है जैसे बिरहोर जनजाति है, बिरहोर जनजाति का प्रमुख क्रियाकलाप है जैसे वन एवं वन उत्पाद पर आधारित रहना। ये मुख्यतः वन से बहुत सारे पेड़ हैं उसका टहनियों को काट करके उससे रस्सी बनाते हैं और उसको बाजार में बेच करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, ठीक है? तो ये हम लोग देखते हैं ये झारखंड के आदिवासी या जनजाति हैं। ये झारखंड के रहने वाले जो आदिवासी हैं मुख्यतः प्रोटोस्टोलाइट प्रजाति के हैं, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, ऑस्ट्रेलाइट, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति के हैं और ये मुख्यतः श्रीलंका के वेद्दा, श्रीलंका में जो जनजाति वेद्दा है या ऑस्ट्रेलिया का जो मूल वासी है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के मूल वासी
के समान है, ठीक है। ये श्रीलंका के वेद्दा और ऑस्ट्रेलिया के मूलवासी के समान है। और ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये आदिवासी या जनजाति हैं, ये मुख्यतः धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होने के कारण या वर्तमान में विकास का स्तर यहाँ तक पहुँचने के कारण ये धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण है, जैसे दूसरा महत्वपूर्ण है यहाँ का निवासी, उसको मूलवासी या सदान कहते हैं, ठीक है। झारखंड में रहने वाला जो आदिवासी के साथ साथ उसका कंधा से कंधा मिलाकर रहने वाले जो जाति है उसको क्या कहते हैं, सदान या मूलवासी कहते हैं, ठीक है। इसको ये जो है ये भी अपना झारखंड के विकास में, झारखंड के बनने में इन्होंने भी अपना योगदान दिया है। और इस कारण से ये जो है झारखंड, ये जो आदिवासी के जो रीति रिवाज है या उसका परंपरा है या उसका जो जीवन शैली है उसको ये उससे बहुत ही ज़्यादा अलग नहीं है। इसका जीवन शैली भी आदिवासी से मिलता जुलता है। और ये जो सदान या मूलवासी है इसको मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जाता है, एक है पिछड़ा वर्ग और एक है अत्यंत पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मिला करके अत्यंत पिछड़ा वर्ग में मुख्यतः 81 जाति आते हैं, शामिल किए गए हैं। और इसमें मुख्यतः जो पिछड़ा वर्ग में 34 जाति हैं, ठीक है। और ये वर्तमान समय में झारखंड सरकार के द्वारा लगभग 170 जाति जो है, 170 जाति को केंद्र सरकार के पास भेजा गया है ताकि इसको पिछड़ा जाति के अंतर्गत इसको अधिसूचित किया जा सके, ठीक है। और ये जो जनजाति है इनमें सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे यहाँ पर पिछड़ा वर्ग या मूलवासी या सदान में सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कुर्मी या महतो या उसके बाद कोरी, कुम्हार, उसके बाद हजाम, कई जातियां हैं जो मुख्यतः आज भी जो है आदिवासी के जीवन स्तर के, आदिवासी का जो रीति रिवाज जो है उसका पूजा पाठ है या उसका जो परंपरा है उसका पालन करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए झारखंड के ये जो दूसरा महत्वपूर्ण जो निवासी है इसको मूलवासी या सदान कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है, इन्होंने झारखंड का जो यहाँ का विशेषता है, झारखंड का जो परंपरा रहा है या झारखंड का जो यहाँ का जो प्रकृति है उसको बिगाड़ने का काम किया है। ये दिकू यानी जो है झारखंड का स्थापना के पश्चात या उससे पहले से बहुत सारे जो लोग हैं जो बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल या दूसरे राज्यों से आकर बस गए, ये मुख्यतः यहाँ पर रोजगार की तलाश में आए। रोजगार प्राप्त करने के पश्चात, नौकरी करने के बाद इनको यहाँ का प्रकृति, यहाँ का वातावरण, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ के लोग पसंद आ गए। और इस कारण से यहाँ के लोग क्या हुए, यहीं आकर के बस गए। इन्होंने अपना संस्कृति यहाँ पर, अपना संस्कृति का प्रसार करना शुरू किया। और इस कारण से ये जो है झारखंडी जो संस्कृति है, जो प्रकृति का पूजक है, उसका धीरे धीरे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। इसके कारण से हम लोग का ये जो है परिवर्तन हो रहा है, इसका स्वरूप बदल रहा है, यानी झारखंड की जो संस्कृति के साथ ये क्या हुआ है, हमला हुआ है ये दिकू लोगों के द्वारा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ की संस्कृति का सम्मान करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ की संस्कृति को उजाड़ने या उसको बिगाड़ने का काम करते हैं, जिसको कहते हैं दिकू, ठीक है। तो ये दिकू लोग कौन है, दिकू जो है हमेशा मुख्यतः बिहार से आए हुए लोग हैं या उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग हैं या फिर हम लोग देखें पश्चिम बंगाल, झारखंड या दूसरे दूसरे क्षेत्र से, जो रोजगार की तलाश या शिक्षा अध्ययन करने के उद्देश्य या व्यवसाय करने के उद्देश्य यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद यहीं पर बस गए, ठीक है। तो ये दिकू लोग जो है हमारी संस्कृति के साथ ये क्या किए हैं, प्रहार किए हैं, हमला किए हैं और हमारा संस्कृति को बिगाड़ने का काम किए हैं, ठीक है। थैंक यू। इस प्रकार से और है जैसे दिकू कौन है, ठीक है। दिकू यानी यहाँ पर झारखंड में दिकू आए कैसे, तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि झारखंड में जैसे हम लोग देख रहे हैं झारखंड के कई नगर हैं जहाँ पर औद्योगिक नगर है उद्योगों का बसा हुआ या फिर वहाँ पर देख रहे हैं शिक्षण संस्थान का विस्तार हुआ, वहाँ स्थापना हुआ, जिस कारण से यहाँ पर जैसे दूसरे दूसरे राज्यों से लोग आकर यहाँ बसने लगे। इनमें हम लोग देख रहे हैं जैसे झारखंड का स्थापना होने के पहले बहुत प्राचीन काल से, जैसे रांची है, रांची झारखंड का औद्योगिक नगर है, रांची, धनबाद में सीसीएल का स्थापना हुआ, कोलियरी एरिया है धनबाद, उसके बाद है जैसे जमशेदपुर, बोकारो में जैसे स्टील सिटी एवं बोकारो थर्मल, ठीक है, बोकारो स्टील सिटी और बोकारो थर्मल का स्थापना के कारण। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जैसे रामगढ़ में भी कोलियरी एरिया होने के कारण वहाँ पर भी क्या है कि औद्योगिक नगर होने के कारण, औद्योगिक शहर होने के कारण वहाँ पर लोग बाहर से आए वहाँ काम करने के लिए मजदूर के रूप में या फिर दूसरे दूसरे जो विभाग में अपना योगदान किए। और यहाँ का जो वातावरण, यहाँ का जो कल्चर, यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ का जो जलवायु है उससे प्रभावित होकर ये जितने भी बाहर से आए हुए लोग हैं या फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पढ़ने के लिए पठन पाठन के उद्देश्य से बहुत सारे लोग हैं, जैसे रांची में बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का स्थापना हुआ, फिर यहाँ रिम्स है,
तो यहाँ पढ़ने आए और उसके बाद यहीं पर ये लोग बस गए, और इस कारण से यहाँ पर जो है बाहर से आए हुए लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, दिक्कु कहते हैं, ठीक है। दिक्कु यानी बाहरी लोग, यहाँ पर बाहरी लोगों के कारण हम लोग देख रहे हैं कि ये बाहरी लोग यहाँ पर आए तो इनको यहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रहा, क्योंकि यहाँ का जो संस्कृति है अब यहाँ दूसरे राज्यों से होकर संस्कृति से ये अलग है, जिस कारण से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू किए, और उसके बाद अपने सुविधा के अनुसार अपने जैसे हमारे झारखंड के अलावा वो जो अपने जिस राज्य के निवासी थे वहाँ पर भी इन्होंने अपना जो है आर्थिक ये लाभ का फायदा लेते रहे, और वहाँ पर भी ये यहाँ से जो है धन अर्जित करके अपने राज्य में लेते गए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है हम लोग का दिक्कु है, दिक्कु वर्तमान समय में भी आज भी हम लोग देख रहे हैं कि सरकार के नीति के कारण बहुत सारे लोग जो हैं बाहरी लोग हैं यहाँ पर बस जा रहे हैं, यहाँ पर जैसे राजनीतिक जो है राजनीतिकरण के कारण भी हम लोग देख रहे हैं, जो नेता या जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं अपने स्वार्थ के कारण बहुत सारे लोगों को इस प्रकार से आरक्षण या सुविधा दिया जाता है, या इस प्रकार से नियोजन नीति नहीं होने कारण यहाँ पर लोग बाहर से आकर के बसते जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए जो है अभी दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग चाहते हुए भी हम लोग जो है बाहरी लोगों को रोक नहीं सकते हैं, और इस कारण से हमें अपने आप को इस प्रकार से सजग और सबल होना है कि बाहरी लोग यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं करें, ठीक है। थैंक यू।